बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ खान अमानसा शहजादी। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। वी आर रीडिंग 5+ इंग्लिश बुक। टुडे वी आर रीडिंग अबाउट द रियल कंसेप्ट ऑफ इज दिस। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर। जस्ट रिकॉग्नाइज दिस पिक्चर एंड आंसर मी दिस क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज अ red jug. Okay, I will ask you a question. Is this a red jug? Yes, it is red jug. Very good. Okay, just tell me, is this a blue mango? No, it is not. Is this a yellow lemon? Good. Yes, it is. Okay, now a time to fill in the blanks. You just write yes or no. I show you some picture and ask some question. You just answer me according to your opinion. Is this a bat? No, this is a bag. Okay, we answer that no, it is not. Okay, is this a rabbit? Yes, it is. Is this a cat? Yes, it is. Is this a lion? No, is it not? Very good. Dear teacher, जिस तरह से मैंने इस पेज को पढ़ाते हुए आपको कुछ तस्वीरें बच्चे को दिखाई हैं, उसके साथ बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आप इसकी जगह पर और भी तस्वीरें दिखा सकते हैं। जैसा कि लेमन के कलर को भी आप ब्लू बता सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं क्या इसका रंग ब्लू है, तो बच्चे इसको आंसर देंगे नो इट इज़ नॉट, येस इट इज़। ओके, सो आपने कुछ जिस तरह से यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कुछ लाइंस छोड़ी गई हैं, आप 5 से 6 तस्वीरें और भी बच्चों को दिखा के उसका आप क्लास वर्क भी करवा सकते हैं, होमवर्क भी करवा सकते हैं। इस तरह से बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे कि इस दिस कहाँ पर लगता है, येस कहाँ पर आंसर देना है और नो कहाँ पर आंसर देना है। इस तरह से बच्चा इस दिस का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपिनियन को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।